और साथ में जो पुलिस प्रशासन है देखो ये पुलिस वाले भी आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहले से बिगड़ी गाड़ी है वो यहीं घर पर खड़ी है सामने घर देख सको आप और ये आग देखी जा सकती है जो ये आग है अचानक आग लग जाती है और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होगी अपने घर के पास ही खड़ी थी। तो साथियों मैं इसलिए गांव से भाई बहुत ही बड़ी खबर इस समय की थी वहाँ पर ये देख सको भाई मौके पर आग लगी एकदम अचानक आग लगी भाई हम यहाँ पे सारे बाइट ले रहे हैं और ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर और देख सको अचानक अपने आप से आग लग जाती है यहाँ पर ना कोई आदमी है ना कोई और आग लगाने वाला है बहुत सारी ज्यादा ये जो है बाड़ी देख सको बाड़ी में अचानक अपने आप आग लगी है देखा जा सकता है किस प्रकार से जो ये है आग किस प्रकार से पुलिस प्रशासन मौजूद है प्रचंड रूप आग ने ले लिया है आप देख सको हो ये जो आग है अचानक लगी गई ये लाइव आप आग की ये वीडियो तस्वीरें देख सकते हैं सामने से देख सको भाई आप बिल्कुल यहाँ पर जो ये आग है अचानक कैसे लगी होगी आप खुद अंदाजा लगा सको भाई यहाँ पर अभी सारी जो भीड़ है भीड़ को भी देख सको हो और साथ में जो पुलिस प्रशासन है देखो ये पुलिस वाले भी आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहले से ही तैनात थी लेकिन आप देख सको भाई आग अचानक लग जाती है जो बाड़ी है बाड़ी में अचानक से आग आप देख सको भाई किस प्रकार से जो ये आग लगी है ये बिल्कुल भाई हम बात कर ही रहे थे साथ में ही आग अचानक आग लग जाती है आप देख सको जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहीं घर पर खड़ी है सामने घर देख सको आप और ये आग देखी जा सकती है मतलब आप देख सको कारण क्या है कैसे ये आग लगी है ये आप देख सको बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल हमें राजस्थान के चूरू जिले के भैंसरी गांव से ये तस्वीरें आपको जी हाँ भैंसरी गांव से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप देख सको किस प्रकार से जो ये आग है अचानक आग लग जाती है और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो बिल्कुल घर के पास ही खड़ी थी उसको बुलाया गया और आग पर आप देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उस द्वारा जी हाँ आप देख सको भाई मशीन जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उस द्वारा आग को नियंत्रण किया जा रहा है बीच में जाके नीचे लगाएगा क्या सर मैं अपील करता हूँ इस आग को देखिए ये टोटली सेंटर से लगी है नीचे से लगी है कोई भी बीच में कौन लगा सकता है आप याद करके देख लो मैं यूँ कह रहा हूँ ऐसे आग लगी नहीं सकती पेट्रोल किसी भी चीज के अंदर अपने मरीडा के बीच में और सेंटर से आग लग सकती है आपके सामने इतना बड़ा वीडियो आपके सामने घटित हो रहा है मैं चूरू प्रशासन चूरू एसपी चूरू कलेक्टर सबसे आग्रह करता हूँ कि भगवान के लिए तीन सदस्य खत्म हो चुके हैं चार के ऊपर 24 घंटे मौत छाई हुई है मैं टोटली प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि वो बाहर आए क्यों बैठे हुए आप एक बात बताओ ये मरीज आपके सामने है सेंटर के इसके सेंटर के रेविटी आग लगी है और इस तरह से किसी भी ये देखिए मतलब आग को कैसे ये आग का उछलना भी ऐसा मान्य नहीं है क्या अपन कम से कम कितनी भीषण आग है किस तरीके का आग लगा है ये रहस्य अभी हमारी बार पुलिस किसानों के लिए बनाया है और आप इतने मीडिया समझदार हो आप सभी बातों को एक्सेप्ट भी कर रहे हो डिनाई कर रहे हो हमारे मुंह से क्या लाना चाहते हो आप ये बता दो तांत्रिक विद्या नहीं है तो क्या है अगर ये तांत्रिक विद्या नहीं है तो क्या है बता दीजिए कई लोग ये कहते हैं सर अंधविश्वास में सही मानते हैं बता दें कि अंधविश्वास तो वो साइंस के पढ़े लिखे मैं भी साइंस का पढ़ा हुआ हूँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ आप ये बता दीजिए हो कैसे रहा है एक मिनट में इतनी आग नहीं लग सकती भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये आग सेंटर से एक मिनट में आप एक बात बताऊँ लगाने वाला लगाएगा ना तो एक मिनट में सेंटर से आग लगी नहीं सकती इस बात को समझने की बात है बीच में भाई आप देख सको किस प्रकार से जो है आग ये अचानक आग लगी है और चारों तरफ ये भीड़ देख सकते हैं। तो साथियों आपने वीडियो देख ली है भाई इसके बारे में आप क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्या लगता है पाखंड है या फिर अंधविश्वास क्या है या कोई सोची समझी साजिश है जो भी आपको कॉमेंट में लिख करके जरूर बताएं जो ऐसे ही आपको लगे तो आगे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।